अगर जानवर की उम्र पूरी हो लेकिन दांत कोई भी ना निकला, उम्र पूरी हो दांत कोई भी ना निकला, जिस तरह आम तौर पे गाय और भैंस, नर और मादा, इनका दोंदा होना और दांतों का फ्रंट वाले सामने वाले दांतों का निकलना 2 सालों के बाद है, और ऊंट के दांतों का निकलना या ऊंटनी के दांतों का निकलना 5 सालों के बाद है, और बकरा बकरी भेड़ दुम्बा वगैरह इस किस्म के जानवरों के दांत फ्रंट वाले 2 दोंदा होना ये 1 साल के बाद है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि नहीं निकलते, तो याद रखें कुर्बानी की शराइत में दांतों को तरजीह नहीं दी जाती, उम्र को तरजीह दी जाती है। अगर दोंदे नहीं भी हैं लेकिन यकीन कामिल है कि पूरी है उम्र, तो कुर्बानी जायज़। लेकिन आज के दौर में चूंकि झूठ बहुत ज़्यादा है, इसलिए जानवर खरीदते वक्त इस तरह की गलती ना करें, और खरीदते वक्त जो बेचने वाला है उस पर यकीन ना करें। अगर वो आपका अपना बंदा है, आप उसके साथ झूठ को जानते हैं तो फिर यकीन करें, या आपके घर का जानवर है तो फिर आप इस तरह की सूरत हाल पर फैसला कर लें, वरना आज के दौर में झूठ बहुत ज़्यादा है। लोग जो है वो झूठ बोल के जानवरों को बेच देते हैं, उम्र पूरी नहीं होती तो वो दांतों के साथ 100 किस्म के नीले बहाने करके जानवरों को बेचने की कोशिश करें। जिस जानवर के सींग निकाल दिए गए हों क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं? जवाब, इसके 2 जवाब। अगर जानवर के सींग निकाल दिए, जख्म मौजूद है, सींग इतने निकाले कि अंदर तह तक गुद्दा निकाल दिया, तो कुर्बानी करना जायज नहीं है, ऐसा जानवर कुर्बानी पर नहीं लग सकता। लेकिन अगर सींग निकले, जख्म बना, दवाई लगाई, टाइम गुजरा, जख्म भर गया, गुद्दा बाकी, अब जायज। जानवर के जिस्म पे फिंसियां निकली, फोड़े निकले, सारे फोड़े पट गए, जख्म हो गए, दवाई होती रही, वो फोड़े ठीक हो गए, अब फोड़ों के, फिंसियों के, जख्मों के सूखे निशान हैं, पानी नहीं है, खून नहीं सिमता, क्या जानवर कुर्बानी पे लग सकता है या नहीं? जवाब, लग सकता। उस पर 2 चीजें नोट करो, उसकी फुर्ती और उसका खाना पीना और हाजमा। अगर उसका खाना पीना हाजमा गोबर खोसी सही करता है, खाता सही है और दाने ठीक हो चुके, अगर जो फोड़ों के निशान बाकी है, बिल्कुल तंदुरुस्त जानवर है, हट्टा कट्टा मोटा फरमा है, नो टेंशन, कुर्बानी हो सकती। जानवर की दोनों कटी हुई हो, चाहे किसी जानवर ने चक मार के दांतों से काटी हो, चाहे जख्म वगैरह होने की सूरत में डॉक्टर के कहने पर काटी हो, तो क्या कुर्बानी होगी या नहीं? जो 2 जवाब। जानवर की दोम की लंबाई करें, लंबाई करके उस लंबाई को 3 हिस्सों में तकसीम करें, अगर तीसरे हिस्से तक कटी हुई है जायज़ है, अगर तीसरे हिस्से से थोड़ी सी ऊपर कटी हुई है नाजायज़। अगर कोई कुर्बानी के दिन आने तक, ईद नमाज पढ़ने तक मालदार नहीं था, सहमे निसाब नहीं था, 11 जुलहिज्जा को सहमे निसाब हो गया, 12 को हो गया, कुर्बानी उस पर वाजिब है या नहीं? जवाब है, 12 की मगरब से पहले पहले अगर साहिब निसाब हो गया तो कुर्बानी फिर भी देना वाजिब। अगर जानवर लंगड़ा हो कुर्बानी जायज है नाजायज है? 2 जवाब। पहला जवाब, अगर जानवर इतना लंगड़ा है कि वो चलते वक्त अपने पाँव का सहारा नहीं लेता तो नाजायज है, अगर सहारा लेता है तो जायज है। अगर जानवर के कुदरती पाँव टेढ़े हैं लेकिन भागता दौड़ता चलता फिरता सही है, शक्ल दूर से जानवर के टांगों की टेढ़ी महसूस होती है, कुर्बानी जायज है नाजायज? जायज। अगर जानवर के सारे दांत टूटे हुए या अक्सर टूटे हुए तो कुर्बानी जायज है नाजायज है? 2 जवाब है। अगर तो खाना सही चबा लेता है तो जायज है, खाना सही नहीं चबा सकता तो नाजायज। जिस जानवर के विदेशी कान न हो, जवाब, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, या कान हो लेकिन एक हो नहीं जायज, कान हो लेकिन कट गए हो तो फिर आगे सोचना होगा, अगर 1/3 हिस्सा कान का कटा है तो फिर कुर्बानी जायज है, अगर 1/3 से ज्यादा कटा है तो नाजायज। अगर जानवर के विदेशी तौर पे सींग ना हो तो कुर्बानी जायज है नाजायज?
जायज। अगर जानवर को रसौलियां, एक रसौली हो, दो रसौलियां हो, तीन रसौलियां हो, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज है नाजायज है? जवाब, अगर रसौलियां उसकी सेहत को मुतासर करें तो नाजायज है, अगर सेहत को मुतासर ना करे तो जायज है। अगर ऊंटनी, गाय या भैंस, इन तीनों को ज़हन में रखो, एक थन खराब हो बाकी ठीक हो तो कुर्बानी जायज है नाजायज है? एक थन खराब हो बाकी ठीक हो तो कुर्बानी जायज है, लेकिन अगर इन तीनों जानवरों के दो थन खराब हो तो नाजायज है। अगर बकरी का एक थन खराब हो और एक ठीक हो, जवाब, कुर्बानी नहीं हो सकती। क्यों? उसकी बोते ही दो हैं, तो जब एक खराब होगा तो निसब हो गया, तहाई तो ना रहा। तो बात, जानवर के थन सारे ठीक हो लेकिन दूध ना निकलता, याद रखे, अगर जानवर के थन सारे ठीक हो, दूध ना निकलता हो, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। दूध निकलना चाहिए, चाहे एक थन से निकले चाहे थोड़ा निकले, दूध का निकलना जरूरी। जानवर काणा हो, कुर्बानी जायज है नाजायज? जवाब, अगर इतना काणा हो कि उसकी बिनाई का एक तिहाई हिस्सा जाया हो गया हो, जायज। अगर उसकी बिनाई काणे होने की वजह से एक तिहाई से ज्यादा मुतासर हो तो नाजायज है, लेकिन याद रखें इसका फर्क महसूस करना बड़ा मुश्किल है। अब किसी को क्या पता है कि इस जानवर को ज्यादा नजर आ रहा है थोड़ा, इसलिए ऐसे जानवर को छोड़ देना चाहिए। जिस जानवर की जुबान कटी हो उसकी कुर्बानी जायज है नाजायज है? अगर जुबान आधी कटी है तो नाजायज है, अगर आधी से कम कटी है तो जायज। जानवर हामला हो, पहली बात तो यह है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करो, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो हामला की कुर्बानी जायज है, लेकिन जो उसके पेट से निकलेगा वो भी कुर्बान होगा।